Hello and welcome, DigiHunt. My name is Sandeep, and today I have with us two actresses who are coming up with a new show on Sub TV. हम लोग सब जानते हैं कि Sub TV is a content curator who actually comes up with really very sweet comic shows, comic capers. पर ये हास्य रस के अलावा भी उनके जो serials होते हैं, उनके जो shows होते हैं, एक अंडरलाइंग एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैसेज बहुत ही स्वीट तरीके से दुनिया के सामने पेश करने की जो उनकी आदत है वो बहुत ही खूबसूरत है. और आज जिस शो के बारे में बात करने वाले हैं, द अपकमिंग शो ऑन सब टीवी काटेलाल एंड सन्स 2 हैज एन अंडरलाइंग मैसेज. सो हाउ आर यू डूइंग जिया शंकर एंड मेघा चक्रवर्ती? ओके, firstly you've got to tell me since the two of you are together, which I never quite expected in the first place, I thought ki lockdown chal raha tha, sab alag alag apne apne gharon se mujhse baat cheet kar rahe honge, but now since scenario thoda sa badal chuka hai aur we are actually moving towards a gradual change, how have things, matlab lockdown ke waqt kaisa raha, duniya kaisi rahi, aap log kaise rahe, how was the entire scenario? Oh, man, what's the story? दोनों ही था, पर फिर भी एक एंटिसिपेशन तो रहा होगा कि एक बार लॉकडाउन थोड़ा सा लिफ्ट होगा उसके बाद ये शो आने वाला है सब टीवी पे. So anticipation to tha. So even the bad part would have been a little color towards the positive, this thing, in a positive way for that matter, hai na? वो तो काफी like बाद में हुआ, like March से जब मैं तो I was home, तो मेरे लिए तो ये था कि हाँ चलो घर पे है तो बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन था कि कब खत्म होगा, काम कब शुरू होगा, ऑडिशन दे रहे हैं, दे चुके हैं, तो वो टेंशन बैक ऑफ द माइंड तो चलता ही रहता है. बट ऑब्वियसली हमारा आई थिंक अगस्त में सिलेक्शन हुआ था काटेलाल एंड सन्स के लिए, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे बस अभी कब शूट स्टार्ट होगा एंड हम लोग काम शुरू करेंगे. लॉकडाउन वाज अ मिक्स था, यू नो, मेरी मतलब as soon as the lockdown ended in Mumbai, I started shooting for a web show. उसके बाद तुरंत ये भी हो गया, तो I was busy as soon as we all started. So Jia and Megha, you guys are playing characters of एक मतलब नाइयों का कैरेक्टर सब लेकर बाबा सा कैरेक्टर. पहले जो जब ये मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर आया था इन फिल्म्स, आई रिमेम्बर इट वाज प्लेड बाय इरफान खान, अभी मतलब कुछ सालों पहले जो आया था बिल्लू बार्बर. तो अभी मतलब ऐसी सिचुएशंस में जब इतने सारे प्रोटेस्ट हमेशा होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा दिल में नहीं था, हाँ चलो अगर ऐसा भी कुछ हो गया तो, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह ऐसा हो गया तो, कि हाँ अभी नाइयों के ऊपर या बाबस के ऊपर सीरियल्स बन रहे हैं तो इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट का कुछ डर वर था? इसमें काटेलाल एंड सन्स वेरी स्वीटली एंड नाइसली दिमागी तौर पे सोचा हुआ टाइटल रखा हुआ है, पर क्योंकि वो लव्स बार्बर यूज हुआ था उस फिल्म में, तो जितने भी बार्बर्स थे एक्चुअली नाई लोग थे, दे स्टार्टेड हैविंग प्रोटेस्ट एंड दे कॉल्ड आउट अ ह्यूज प्रोटेस्ट व्हिच गेन्ड अ मैसिव प्रोपोर्शन फॉर दैट मैटर. उसके बाद से द फिल्म स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड बिल्लू, तो बिल्लू बार्बर नहीं रहा, वो खाली बिल्लू रहा, आई गेट मी? तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोटेस्ट तो होते ही रहते हैं, तो वही फॉर दैट आई वाज काइंड ऑफ आस्किंग यू एंड वाज काइंड ऑफ यू नो आई वाज इंक्विजिटिव फॉर दैट मैटर कि अगर ऐसा यहाँ पर भी होता तो, अगर होता तो, चलो अभी नहीं है तो फॉरगेट इट, लेट्स जस्ट रैप द क्वेश्चन. क्या मिलके कैसे वो काटेलाल एंड सन्स को चलाते हैं, उस मैसेज को लेके स्टोरी है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसा कुछ. एग्जैक्टली, तो यही चीज पे मैं आ रहा था, दो लड़कियां मिलके चला रही है जो आई मीन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन विच इज नोन फॉर ओनली मेल्स, कि आदमी लोग ही बार्बर्स बनते हैं, आदमी लोग ही हेयर ड्रेसर्स, मतलब अभी तो फिलहाल सैलॉन्स वगैरह में बहुत सारे मतलब जो नए सैलॉन्स खुल रहे हैं वो काफ़ी विमेन एम्प्लॉयज़ को दे आर हायरिंग. तो आपका जो सेटिंग है इट इज़ इन अ प्लेस वेयर यू नो जिस तरह का सेटिंग है, जिस तरह का कहानी में बयान है आप लोगों के किरदारों का, द फैक्ट दैट यू गो अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड यू स्टार्ट
काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ चैलेंज द एंटायर नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, तो वो चीज किस तरह से आप लोगों को ब्रीथ किया गया था, किस तरह से आप लोगों ने समझा, और उसके साथ साथ जो लिंगो है, जिस लैंग्वेज में आप लोग बात कर रहे हैं बींग अ बंगाली, हाउ डिड यू गाइस, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मेघा स्पेशली, तो वो किस तरह से, हाउ डिड यू काइंड ऑफ यू नो पर्हैप्स इनकॉर्पोरेटेड या डबिंग हुआ था? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि बंगाली इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज एंड हरियाणवी है एकदम यू नो डरा डरा के या धमका धमका के बात करते हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है और मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ. So I would say I'm really proud of her for pulling this off, and she has done a fab job. मतलब मैं और भी बंगालीज को जानती हूँ, and I know कि उनके लिए हिंदी itself is okay. You are actually speaking to a Bengali. Bengali. So I know that you know how difficult Hindi itself is for them. तो इनफैक्ट उसने तो हरियाणवी बोल दी, एंड शी हैज डन अ फैब जॉब. इफ यू मस्ट हैव सीन द प्रोग्राम. यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द ब्रीफ. क्या ब्रीफ था, किस तरह से यू गाइस अंडरस्टूड द कैरेक्टर, और मतलब सेटिंग के हिसाब से यू हैड टू जक्स्टापोज द एंटायर थिंग इन योर माइंड एंड देन यू हैड टू परफॉर्म द कैरेक्टर्स. किस तरह का ब्रीफ था, डायरेक्टर का किस तरह का ब्रीफ रहता है आपको हर एक शूट के पहले, हर एक टेक के पहले? क्योंकि हम दोनों का कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, तो डेफिनेटली हम लोग को वर्कशॉप तो हुआ ही है समझाने के लिए, सो दैट हम लोग थोड़ा पहले पहले तो यू नो टाइम लगता है समझने में, बाद में इजी है कि हाँ ठीक है हमें डायलॉग या एक्सप्रेशन कैसे देखें मेरे कैरेक्टर में, तो इसको अपने कैसे करने, सो दैट हम दोनों अलग दिखे, ऐसा ना लगे कि दोनों सेम है. तो इसके लिए वर्कशॉप्स हुए हमारे यू नो हरियाणवी भी तो हुए ही है, बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी हमें काफी अच्छे से ब्रीफिंग हुई. जैसे अगर मैं गरिमा का कहूँ तो वो ज्यादा दिमाग से सोचती है, बहुत बातें करती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है, झूठ भी बोलती है, चीजों को संभालती है, एंड ये जो भी कांड करती है उसको कैसे छुपाना है, कैसे पापा के सामने यू नो भांडा ना फूट जाए तो कैसे उसको संभालना है, ये सब चीजें वो ज्यादा ध्यान रखती है. लाइफ में प्लानिंग बहुत करके चलती है कि अच्छा अभी 19 की हूँ तो बाद में जब शादी करने 3-4 साल बाद तो लड़के कैसे होने चाहिए, प्लान ए ये लड़का है, प्लान बी है वो लड़का है, तो इस टाइप के यू नो इसके सपना एक अच्छे सारी शादी वादी करके सेटल होना है. तो गरिमा का ये मुझे समझा दिया था, और कैसे गरिमा कैसे बात करती है, कैसे तैयार होती है, इसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो हर चीज में हम लोगों ने वर्कशॉप के दौरान हमें बताया गया है. आई थिंक आवर कैप्टन ऑफ द शिप रवि सर, हैंड्स डाउन टू हिम, कि उन्होंने हर एक चीज मतलब एक और एक बारीकी से देखा है, एक वर्ड तक नहीं छोड़ा. हर एक कैरेक्टर का, हर एक कैरेक्टर का, ये सिर्फ गरिमा और सुशीला का, हर एक कैरेक्टर का एक एक चीज पकड़ पकड़ के उन्होंने समझा. हाँ, तो इनफैक्ट ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम व्हेन इट कम्स टू दिस, कि उन्होंने हर एक, हम स्टार्टिंग में थोड़े कंफ्यूज थे कि हमारा कैरेक्टर मतलब दोनों अलग अलग कैसे लगेंगे, एंड ऑल इज लाइक मुझ पर छोड़ दो. तो ये उन्होंने जिस तरीके से अभी किया ना, हमें अब तो हमें दिखाई देता है कि वी आर कंप्लीटली डिफरेंट. तो हम दोनों का कैरेक्टर बहुत अलग है, और हम एक्टिवाइज जब सोच रहे हैं कि कैसे अलग कर सकते हैं, अभी हमें एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप दिखाई दे रहा है कि हम दोनों के कैरेक्टर्स बहुत अलग है, नॉट जस्ट लुक वाइज बट लिटरली हम जब जिस तरीके से बात करते हैं, चलना भी अलग है. राइट. It's from that. Okay, now tell me, the fact that it's the show is just on its first leg, its initial phase for that matter, and I mean, what kind of an expectation do you hold from, I mean, the two of you hold from the show, and what exactly are you think, I mean, do you feel about the show entirely? Taylor ke liye bahut acha response mila hai, and we are really happy about that. So we're just hoping ki aur bhi acha response mile hame jab show release hoga. We are somewhere confident about it ki response acha aayega, because this show end of the day ek message to ja hi raha hai, but it's very entertaining. Aur entertainment pasand nahi hai, you know, like exactly kya aa rahe ho ghar pe, now that work has started for everyone. But anyway, वैसे भी हम इतने सारे इसमें trauma में से निकले हैं 2020 में. So, yes, absolutely. What we just need a little bit of entertainment in our lives. And serious message ko ek entertainment ke through hum dikha rahe hai, to obviously I think sabko bahut pasand aayega. Agar properly socha jaye, ek tarah se dekha jaye, and a perspective is gained on the show,
As you just said, of course, it's a very serious message, and people would actually be, palleted this entire show. The main idea behind the show is sort of, I mean, it's kind of borderline women empowerment, not borderline, actually, it's completely women empowerment. So, ek tarah se, you as girls, born and brought up in a society which doesn't quite, which has a certain set norm for the girl child. You guys are actually challenging the norms and the entire society and the system for that matter. तो मतलब कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था या एक्सपीरियंस हुआ है इन योर पर्सनल लाइव्स परहैप्स समथिंग दैट यू हैव सीन इफ नॉट डायरेक्टली दैट्स हैपेंड टू यू समथिंग दैट यू हैव सीन एंड एन ओपिनियन दैट यू फॉर्मड अबाउट दैट पर्टिकुलर हैपनिंग इनडायरेक्टली इन योर माइंड एट द बैक ऑफ योर माइंड सबकॉन्शियसली कुछ भी ऐसा हुआ है I mean, first of all, we are not challenging any. This is just the basic thing जो कि हमेशा से ही होना चाहिए था. So we are fighting for our basic rights. जो women empowerment हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए औरतें लड़ रही हैं, we are literally fighting for our basic rights. तो वही चीज हम ये रोहतक की नहीं है तो फ्रॉम देयर तो वहां पे अभी भी अगर ऐसी चीजें चल रही है तो इट्स ब्रिंगिंग दैट आउट वहां पे मतलब इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे अभी तक शायद ये बात लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंची तो बस उसी सोच को हम बहुत लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी एक जरिए से बदलने की कोशिश ही कर रहे हैं All right. Now, I mean, finally, you've got to tell me about, the fact that you, Megha is from Kolkata. Jia and Megha, you've got to give a little bit of an idea of yourselves, your little background and what have you done and what are your expectations from the industry? Okay. I am from Mumbai itself. So at the moment, looking at all the scenario that has happened in 2020 and considering that, I literally have no expectations. That was really candid. Yeah, I'm like surprised me. So I am that. I'm just at the moment. I'm just being grateful for everything that's happening around me. I am in good health first of all, and so are all the people that I know. And I'm hoping and wishing good health, work, prosperity, love, and all gratitude. For everything and everyone. That's it. All right, tell me, Jia, the fact that she's a Bengali, Bangla Mishti, did she kind of treat you to any Bangla food or this thing, Bengali food or Bengali sweetmeats or whatever? That is really sad. Come on. Listen, Mumbai में Bengali अच्छे sweets नहीं मिलते वो sweet Bengali I know but there is this place called I mean why am I even promoting that place but still वहाँ पर you can get nice authentic Bengali sweets okay now she knows now she is only exactly all right Megha you tell me Jia hails from Bombay you hail from Kolkata both of you have this metropolitan city ka background so I'm sure you must not really have had experiences similar or similar to the ones that I mean the kind of characters and the kind of people you meet in the show I mean in the narrative did you juxtapose kuch aisa tha zindagi mein kabhi aisa kisi ke sath matlab aisa kuch hua tha ya dekha tha aisa kuch hote hue bahut choti si ek baat bolungi jo bachpan mein hua tha aur maine suna tha matlab jaise ki mujhe bachpan se ghar se bahut zyada support mila hai theek hai मैंने डांस करना चाहे मैं डांस किया है मैंने जब एक्टिंग का डिसीजन लिया मुझे एक्टिंग करने दिया है वहां पे मैं मुंबई आने का डिसीजन लिया मुझे मुंबई आने दिया है तो कभी भी रोक टोक नहीं थी कहीं ना कहीं एक डर था तुम दूसरे शहर में जा रहे हो जहाँ पे कोई है नहीं है हमारा तो वो एक डर जो मम्मी पापा का होता है नॉर्मल सा लेकिन मुझे कभी रोका नहीं गया है लेकिन मेरी कजिन सिस्टर को जब बचपन में उसको भी डांस करना था उसके मम्मी पापा ने नहीं करने दिया तभी आई थिंक सिर्फ बूढ़ी बूढ़ी आता था और कोई डांसर्स आते भी नहीं थे उस टाइम उसको नहीं करने दिया गया क्योंकि उनके थॉट में थे कि नहीं यार लड़कियां डांस करेगी नाचेगी इधर उधर तो उनके थॉट में वैसा था तो यू नो वही मेरे दिमाग में हमेशा आता है अभी तो काफी सबके थॉट्स काफी चेंज हुए हैं होप सब राइट
वो मेरे दिमाग में आता तो उसको नहीं करने दिया कभी भी उसको बोला कि तुम ड्राइंग सीखो पेंटिंग सीखो बट नॉट डांस तो या ओके ओके एंड व्हाट अबाउट यू जिया मेरे साथ भी नहीं हुआ है बचपन से अब तक आई मीन माय फैमिली हैज ऑलवेज पुश्ड मी टू डू व्हाटएवर आई वांट एंड इन फैक्ट दिस इंडस्ट्री माय मॉम चोज फॉर मी इट वाजंट इवन मी वाओ ग्रेट Yeah, so my mom pushed me for it, and that's when I got into it. So, मेरे साथ नहीं हुआ, but I have heard a lot of my friends' stories जिनके साथ हुआ है, and who literally had to fight with their families to let them pursue their dreams. अभी भी लगता है कि जब जो married है ना, especially शादी से पहले काम करते हैं, and शादी के बाद नहीं यार, वो night shift नहीं कर पाऊंगी यार. हाँ, हाँ. That's right. अभी भी है. वो चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है यार. बहुत सारी All right, now Jia and Megha, before I let you go, the final thoughts on your show, and what exactly would you want people to expect from the show? बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जो हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं. जैसे कि हमें शो में बार बार बोला है कि काम और सपनों का कोई जेंडर नहीं होता है, तो वही चीज हम लोगों के दिमाग के शटर खोलने चाहते हैं और उसमें डालने चाहते हैं इस चीज को कि समझो कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बातों को करना भी चाहिए लड़का लड़की से में वही चीज को. लेकिन द पॉइंट इज बहुत एंटरटेनमेंट है इस शो में, तो ऐसा नहीं लगेगा कि सीरियस मैटर है, बोरिंग मैटर है, अरे यार वही तो बात कह रहे हैं, वैसा नहीं लगेगा कभी आपको. तो बस हमारा यही मकसद है कि लोगों तक बात पहुंचे और लोगों को पसंद आए, हम दोनों पसंद आए, दोनों का कैरेक्टर पसंद आए, लोग रिलेट कर पाए और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है शो में जिससे हर एक इंसान रिलेट करता है. मे बी समवन विल रिलेट टू दिस कैरेक्टर, समवन विल रिलेट टू दैट, माइन नो हर्स, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है. एंड देयर इज कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, एवरीथिंग इन द शो, एंड व्हिच विल कीप एवरीवन एंटरटेन्ड. Okay, all right. So with that, even I have my fingers crossed ki Kattilal and Sons released as well on Sub TV, and it actually takes the channel to a whole new level, and it also does works wonders for your careers as well. So ladies and gentlemen, this was Sandeep with Jia Shankar and Megha Chakravarti, DG Hunt. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you. See you, Megha. Bye. Bye-bye. Take a body's high.